अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था, तो उस वक्त इसराइल ने पूरी दुनिया से अपने करीब 450,000 रिजर्विस्ट को युद्ध के मैदान में एकजुट होने के लिए बुलाया था, और हकीकत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस वक्त पूरी दुनिया से इजरायली गाजा के लिए रवाना होने लगे थे। सबसे अहम बात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स मूल रूप से अपने रिजर्विस्ट के ऊपर निर्भर रहती है। रिजर्विस्ट यानी कि वो सैनिक जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्होंने IDF में अपना तय कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा सेना में बुलाया जाता है। लेकिन अब हिजबुल्ला से युद्ध को देखते हुए PM नेतन्याहू की अगुवाई में इजरायली सरकार ने इन रिजर्विस्ट पर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इजरायल की संसद ने सेना के रिजर्व सैनिकों के रिटायरमेंट को टालने के लिए पिछले साल एक अस्थायी प्रस्ताव पास किया था। अब संसद ने इसी विधेयक की पहली रीडिंग यानी पहले वाचन को पास कर दिया है, ताकि युद्ध में ये सुनिश्चित किया जा सके कि गाजा में हमास के साथ चल रही जंग में IDF के पास पर्याप्त सैनिक हों। हालांकि इजरायली सरकार के इस फैसले की विपक्ष ने निंदा की है, और बड़ी बात यह है कि इससे पहले नेतन्याहू की सरकार एक और विधेयक लेकर आई थी, जिसके तहत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी अति रूढ़िवादी समुदाय को सेना में अपनी सेवा देने से व्यापक छूट दी गई है, और अब इजरायली सरकार इस प्रस्ताव को संसद से पास करवाने की कवायद में लगी हुई है। और अगर ये बिल पास होता है तो IDF में हजारों संभावित सैनिकों की भर्ती पर रोक लग जाएगी। वहीं बात अगर रिटायरमेंट टालने वाले विधेयक की करें तो इस प्रस्ताव के पक्ष में 51 और विपक्ष में 47 वोट पड़े हैं, और अब ये विधेयक संसदीय हाउस कमेटी के पास जाएगा, जो ये तय करेगी कि कौन सा अन्य पैनल इसे आगे पढ़ने के लिए तैयार करेगा। आपको बता दें कि इजरायली सरकार ने रिटायरमेंट टालने वाले इस विधेयक में रिजर्विस्ट के लिए सैन्य सेवा में रिटायरमेंट की सीमा 40 से बढ़ाकर 41 साल और अधिकारियों के लिए 45 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दी है। ये बदलाव आने वाले कई महीनों तक लागू रहेगा, क्योंकि गाजा में अब सैनिकों की कमी की बात खुलकर सामने आ गई है। यहाँ तक कि सेना में डॉक्टरों और एयर क्रूमैन की रिटायरमेंट उम्र 49 से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। आपको बता दें कि इजरायली संसद ने पिछले साल इस प्रस्ताव को अस्थायी उपाय के रूप में मंजूरी दी थी, जिसकी मियाद इस महीने के अंत में खत्म हो रही है, और यही वजह है कि सरकार ने इसे 24 जून 2024 को पास करा लिया है, जो अगले सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। लेकिन इजरायल की विपक्षी पार्टियों ने नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजरायल की लेबर पार्टी के नेता याइर गोलान ने इस विधेयक पर हमला करते हुए कहा कि ये विधेयक सेवारत जनता के मुंह पर थूकने के जैसा है। जब करोड़ों रुपए चुनावी रिश्वत में सेवा चोरी करने वालों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं, ये विधेयक उन रिजर्व सैनिकों के लिए अपमान है जो देश के लिए वीरतापूर्वक युद्ध लड़ने गए। आपका अपमान किया जा रहा है, और तो और आप पूरे सेक्टर को मुक्त कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप सेवा का बोझ उन सैनिकों पर डाल रहे हैं जो लड़ रहे हैं। इजराइल बेतनेओ पार्टी के मुखिया MK एविगडोर लिबरमैन ने ट्वीट करके कहा कि इजरायली जनता अलग राजनीतिक नेतृत्व की हकदार है, ऐसा नेतृत्व जो उनके लिए अनुकूल हो। इस सबके बीच एक बात तो साफ है कि इस मुद्दे पर इजरायल में घमासान इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है।